श्री मद वाल्मीकि रामायणम अयोध्याकाण्डम एकोनाशीतितमः सर्गः मंत्री प्रमुखः चतुर्दशेष्णि भरतम प्रति राज्य स्वीकारे अभ्यर्तयन्त ततप्रतिसिद्ध्य रामं प्रत्यानीनिशूर भरतो यात्रार्थं मार्गादि निर्माणे शिल्पिनो योजयितुं मन्त्रिनः प्राचोदयत् तत प्रभात समये दिवसे तत्र समेत्य राजकर्तारो भरतम वाक्यमब्रुवन् गतो दशरथ स्वर्गम योनो गुरुतरो गुरुहु रामं प्रवाज्य वैजयष्ठं लक्ष्मणं च महाबलं त्वमद्य भवनो राजा राजपुत्र महायशः संगत्याना पराज्ञोति राज्यमेततनायकम् अभिषेचनिक राघव प्रतीक्षते स्वजन श्रेण यश नृपात्मज राज्य गृह गृहान भरत पितुर्पैता महम ध्रुव अभिषेचय चात्मा शादी चा पाही चा नरशब्ह अभिशेच अभिशेच निकम बांडम गृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं बरतस्तम्जनं सर्वं प्रत्युवाच धृतव्रतं जैष्ठस्य राजता नित्यमुचिता हीकल कुलस्य नहं नैवं भवन्तो मां वक्तुमारहंति कुशलाजनाहं पूर्वि पूर्वोहिनो भ्रात्र भ्रविष्य महीपति अहम तरण्ये वत्सा वर्षा नव पंच महती सेना चतुरंग महाबला आनयिष्याम्य हम ज्येष्ठ राघव वना आशेचनिकमेन दुपस्कृत पुरस्कृत गि गमहेतो वनं प्रति तत्रैवतम नरव्याग्रम अभिषित्य पुरस्कृतं आनयेश्यामि वैगां अगुमं द्रव्यवाह द्रव्यवाहमिवान् वत वागरात आद्वरात न स कामां करिष्यामि स्वामी मम मातृगन्दिनीं वने वत्साम्यहं दुर्गे रामो रज भविष्यति क्रियातां शिल्पी बिस्पन्तास सानि विषमानि च रक्षिनश्च अचानु संपसंयान्तु पतिदुर्गाविचारकाः

इस रूप प्रतिष्ठितं यस्वं ज्येष्ठेण रूपसुते प्रीतीविं दातुमिच्छसि अनुत्तमं तद्वचनं धृपात्मजः प्रभाषितं श्रम श्रवणे निशम्यच प्रहसिजास्तं प्रतिबाष्पविन्दवः प्रतिबाष्पबिन्दव निपेतुरार्यानन नेत्रसंभवाः उत्ते वचनम इदं निशम्य हृष्टा सामान्य समरिपदो विचात विछा, शंकाह पन्दानम नरवर भक्तिमान जनस्य व्यादिष्ट स्तव वचनाच्छ शिल्प वर्गः इत्याशे श्रीमद् रामायने आदि वाल्मीकिए आदिकाव्ये आदि अयोध्या कांडे एको नशि एको